पहले ही कि 12 बज के चले जाए, मैं विश करना चाहता हूँ हमारे चहीते एक्टर और बहुत ही प्यारे एक्टर अक्षय कुमार 55 साल की उम्र में दहलीज पर आ चुके हैं अक्षय कुमार और एक अच्छा खासा वक्त उन्हें दिया है बॉलीवुड पे। 9 सितंबर 1967 में जन्मे अक्षय कुमार, जिसे हम हरी ओम भाटिया के नाम से जानते हैं, इन्होंने एक अलग तरह का स्ट्रगल किया है, एक डिफरेंट तरह का स्ट्रगल किया है। बहुत ही मेहनत से अपने दम पर आए, ये कोई नेपोटिज्म की उपजाऊ जमीन से पैदा हुए कोई है ना वो नहीं है, क्या बोलते गेहूं चावल, ये प्रॉपर तरीके से मेहनत जो करके अपनी सही तरीके से अपनी जो डिसिप्लिन है उसके साथ आगे बढ़कर अपना नाम किया है। और इस एक्टर के लाइफ में कई सारे ऐसे पड़ाव आए थे जहां पे लगा था कि ये खत्म है। 16 फिल्म लगातार फ्लॉप देने के बाद ये एक्टर आज इंडिया का नंबर वन एक्टर्स में से एक गिना जाता है, तो आप सोच सकते हो कि इसने कितना मेहनत किया है, कितना खून पसीना बहाया है फिल्मों को लेकर। भले ये साल बहुत ज्यादा अच्छा ना रहा हो अक्षय कुमार के लिए, लेकिन हाँ इससे कहीं भी उनकी फिल्में के जो ऑफर्स है वो कम नहीं हो रहे हैं, उनकी जो एडवर्टाइजमेंट में जो उनकी ब्रांड वैल्यू कहीं कम नहीं हो रही है। तो अक्षय कुमार यूं ही चलते रहे लगातार, यही हमारी ख्वाहिश है। मैं शाम को ही वीडियो बनाने वाला था दोस्तों, ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं था, मुझे याद था, लेकिन क्या हुआ ना, मैं सुबह से ही इस तरह से भागा दौड़ी कर रहा था और शाम को काफी देर बारिश हो रही थी कि मैं चाह कर भी वो वीडियो नहीं बना पाया। मैं बनाने वाला था एक दोस्त लोग के साथ मिलकर, पर वो नहीं बना पाया। तो एक अलग से एक और हमारे चैनल पे क्रिटिक आते हैं प्रेम जी, उनका भी वीडियो मैं डालूंगा जल्द से जल्द, लेकिन फिलहाल मैंने अपनी जो राय है वो पेश कर दी है। तो दोस्तों नाराज मत होइए, और काफी बिजी शेड्यूल होने के बावजूद मैं अक्षय कुमार को सही तरह से सही समय पर विश कर पाया, यही मुझे इसमें ही मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। मैं चाहता हूं कि उनके आने वाली फिल्म राम सेतु या जो ओ माय गॉड 2 हो वो सब बहुत बड़ी हिट हो। चलिए फिलहाल कहते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।